हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, बाजरे के प्रति क्विंटल 300 रुपए किसको मिलेंगे? जिसने अपना बाजरा सरकारी मंडी में बेचा उसे मिलेंगे, या प्राइवेट और जिसने अपना बाजरा अभी तक नहीं बेचा उसे भी बाजरे के प्रति क्विंटल 300 रुपए मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बाजरे के प्रति क्विंटल 300 रुपए किस किस को मिलेंगे उससे संबंधित देते हैं संपूर्ण जानकारी। तो किसान भाइयों, आपकी कुछ दिन से लगातार कमेंट आ रही हैं कि हमारे बाजरे के प्रति क्विंटल 300 रुपए अभी तक हमारे खाते में नहीं आए हैं, या तो आपने अपना बाजरा सरकारी मंडी में बेचा था फिर भी आपके पैसे नहीं आए, या फिर आपने अपना बाजरा प्राइवेट में किसी को वैसे ही बेच दिया, सरकारी में आपने नहीं बेचा, या फिर आपने अभी तक बेचा नहीं है, आपके घर पर ही आपका बाजरा रखा हुआ है। लेकिन अब आपके मन में सवाल है, हमने बाजरा न तो सरकारी मंडी में बेचा और न ही हमने अपना बाजरा कहीं पर बेचा है, या फिर प्राइवेट में बेच दिया है, हमारा बाजरा घर पर है, जैसे भी है, अब हमें प्रति क्विंटल 300 रुपए मिलेंगे या नहीं, या फिर हमने अपना बाजरा सरकारी मंडी में बेच दिया है फिर भी हमारे पैसे अभी तक क्यों नहीं आए हैं, दूसरे किसानों के आ चुके हैं। अब किसान भाइयों, आपको पैसे को लेकर चिंता हो रही है, क्या हमें बाजरे के पैसे प्रति क्विंटल 300 रुपए मिलेंगे या नहीं, अंतर भरपाई योजना के पैसे हमारे खाते में आएंगे या नहीं? तो किसान भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना बाजरा सरकारी मंडी में बेचा है तो भी आपको पैसे मिलेंगे, अगर आपने अपना बाजरा प्राइवेट में बेचा है तो भी आपको पैसे मिलेंगे, और अगर आपने अपना बाजरा नहीं बेचा है तो भी आपको प्रति क्विंटल 300 रुपए दिए जाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल उनके पैसे डल रहे हैं, जिसने अपना बाजरा मंडी में बेचा था उसके पैसे अब धीरे धीरे करके आ रहे हैं, दो तीन तीन दिन का गैप करके जो पैसे हैं किसानों के खातों में डल रहे हैं। तो किसान भाई, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको पैसे जरूर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस नहीं हो। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।